नमस्कार, मैं हूं अभय किशोर। फेस टू फेस में स्वागत है आपका। आज हम रूबरू होने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के एक ऐसे चेहरे से जो अविभाजित मध्य प्रदेश के दौर से ही पार्टी के अंदर अपना दबदबा बनाए हुए हैं। प्रखर वक्ता, आक्रामक नेता और जनाधार वाले जनप्रतिनिधि के तौर पर जिनकी पहचान है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रविन्द्र चौबे की। चौबे जी, आपका फेस टू फेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो 3 दशक से ज़्यादा की राजनीतिक यात्रा के बाद अगर मैं ये कहूँ कि पीछे मुड़कर देखने पर इस पूरे दौर का आकलन आप कैसे करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि समूचे छत्तीसगढ़ में मेरा ये सौभाग्य है जी कि लगभग 6 कार्यकाल निरंतर विधानसभा में बैठने का मुझे अवसर मिला जी। मेरा ये भी सौभाग्य है कि राजनीति के पुरोधा माननीय अर्जुन सिंह जी, माननीय श्यामाचरण शुक्ल, माननीय मोतीलाल जी वोरा, माननीय सुंदरलाल जी पटवा, माननीय कैलाश जोशी जैसे दिग्गजों के साथ मुझे सदन में काम करने का अवसर मिला। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जनता का जो आशीर्वाद होता है, जनता की सेवा करने के बाद प्रतिफल के रूप में जो मिलता है, ये उसी की परिणति है। और छात्र राजनीति के बाद मेरे पिताजी, मेरे माताजी जो कि राजनीति में सक्रिय रहे हैं, उन राजनीतिक उनके आशीर्वाद से और साझा विधानसभा, पूर्व में वीरेंद्रनगर विधानसभा, ये दोनों विधानसभा के परिसीमन में सीमाएं बदलती रहीं, बनती रहीं, बिगड़ती रहीं, लेकिन जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया था। इसको मैं राजनीतिक क्षेत्र में अपना सौभाग्य मानता हूँ और ये भी मानता हूँ कि राजनीति में ईमानदारी से काम करने का प्रतिफल जनता अवश्य देती है जी। 1985 से आप राजनीतिक जीवन में सक्रिय हैं। इसके 3 दशक का जो ये समय है उसमें आधा समय आपका एकीकृत मध्य प्रदेश में गुजरा, इतने ही समय की राजनीति आपने छत्तीसगढ़ में भी की, तो इन दोनों दौर की अगर तुलना करने कहूँ तो कौन सा दौर आपको बेहतर लगता है? राजनीति में अब बहुत मेहनत का समय आ चुका है। राजनीति के दौर में अब बहुत परिवर्तन आ रहा है जी। 85 के दशक में विधानसभा में अगर हम पहली बार पहुंचे थे, कोई बात हो जाती थी तो हमें लगता था कि समूचा प्रशासन, समूची सरकार उस काम को करने में लग जाती थी जी। लेकिन आज विधायिका का भी महत्व कम होते जा रहा है। मैं जब छत्तीसगढ़ की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहले दिन विधानसभा में अपनी बात जिस दिन मैंने कहा, उस दिन भी मैंने इस बात को कहा था कि कार्यपालिका के ऊपर विधायिका का हमेशा सर्वोच्चता बरकरार रखी जानी चाहिए, और विधायिका का सम्मान अगर थोड़ा कम होगा तो निश्चित जानिए कि कार्यपालिका निरंकुश हो जाती है। तब के दौर और अब के दौर में ये बहुत बड़ा अंतर है। मध्य प्रदेश में जब हम रहा करते थे तो छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की बात करते थे, मध्य प्रदेश में जब हम रहा करते थे तो छत्तीसगढ़ के रिसोर्सेस का छत्तीसगढ़ में कैसे उपयोग हो, ये मध्य प्रदेश की विधानसभा में कहा करते थे। और जब छत्तीसगढ़ राज्य बनने की बात आई तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के संकल्प में भी हम लोगों ने हिस्सा लिया था, और छत्तीसगढ़ के विकास की जो कल्पना किए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, सड़कें बन गई, पुल पुलिया बड़े बड़े बन रहे हैं, बड़े बड़े विद्युत के कल कारखाने लग रहे हैं, पावर हब बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य की जो हमने कल्पना की थी, यहाँ के गरीबों के हितों में काम होंगे, यहाँ के किसानों के खेतों में हरियाली आएगी, यहाँ के नदियों का उपयोग करके हम सिंचाई के संसाधन बनाएंगे, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, उस तरीके से जो काम होना चाहिए था, मुझे अब लगने लगा है कि शायद हम छत्तीसगढ़ में उस लक्ष्य को हासिल कर पाने में अभी सफल नहीं हो पाए जी। आपके राजनीतिक करियर की बात करूं तो लगातार 6 बार तक साझा ने आपको विधानसभा में भेजा, 7वीं बार आपको करारी हार का सामना करना पड़ा। क्या आपको क्या लगता है, आप हारे या आपको हराया गया? प्रजातंत्र में हार और जीत तो सिक्के के दो पहलू हैं। राजनीति की यात्रा में हमें छात्र संगठन में, कॉलेज के प्रेसिडेंट के रूप में, कोऑपरेटिव सेक्टर में, कोऑपरेटिव बैंक में, जनपद पंचायत के अध्यक्ष के रूप में, ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में, जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में, और 6 बार लगातार विधानसभा में, ये तो जनता का आशीर्वाद था। 7वीं बार का चुनाव निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद क्षेत्र से जो संपर्क लगातार बना हुआ था हमारा, कहीं ना कहीं उसमें कमी आई होगी, थोड़ी बहुत चूक भी हुई होगी, और विधानसभा में लगातार विपक्ष में रहने के कारण जनता की जो अपेक्षाएं होती हैं शायद उसमें भी कहीं चूक हुई होगी। और निश्चित रूप से जो तीसरा सबसे बड़ा कारण जो आपने कहा, प्रतिस्पर्धा के इस युग में कांग्रेस की लीडरशिप, हाईकमांड
चूंकि उनका आशीर्वाद मेरे साथ था, तो निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धी होते हैं अपने अपने क्षेत्रों में, तो पार्टी से भी और पार्टी के बाहर भी जी थोड़े बहुत इस प्रकार के प्रयास हुए होंगे, लेकिन जनता के इस फैसले को हमने बहुत सम्मान से सिरोधार्य किया है और फिर से अपने क्षेत्र की सेवा में हम लग गए हैं और आने वाला वक्त है कि जनता का आशीर्वाद मुझे मिले, इस प्रकार की हमारी अपेक्षा भी है। तो 2013 में पार्टी ने आपको लीडर ऑफ अपोजिशन की एक महती जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन सिर्फ एक हार, और सिर्फ एक हार के बाद संगठन की राजनीति में आप हाशिए पर जाते हुए दिखते हैं, क्या आपको लगता है पार्टी में आपकी उपेक्षा हो रही है? मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हाशिए की कोई बात नहीं है। संगठन में जब भी अवसर आया चयन का, तो सोनिया जी के समक्ष बहुत सारी बातें हुई हैं, कई बार सोनिया जी से ने बुला करके चर्चा की है, लेकिन कांग्रेस है, जब अवसर जहां जैसा उपयुक्त तो समझा जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि अवसर की कोई कमी नहीं है। और पूरे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक दल का नेतृत्व अगर मुझे हाईकमान ने सौंपा था, इसका मतलब है कि उनका बड़ा विश्वास मेरे ऊपर है, इसलिए हाशिए जैसी कोई बात नहीं है। और जो कुछ भी मैं हूँ, मध्य प्रदेश में मंत्री था, छत्तीसगढ़ में मंत्री था, कांग्रेस विधायक दल का नेतृत्व किया, 6-6 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, तो ये तो केवल कांग्रेस के कारण। इसलिए कांग्रेस में जो जिम्मेदारी जब दी जाएगी, और जिम्मेदारी को हम सिरोधार्य करेंगे, स्वीकार करेंगे और उस हिसाब से काम करेंगे। जीरम की घटना एक दुखद अध्याय है प्रदेश की राजनीति में भी, पार्टी के लिए भी एक बड़ा दुखद चैप्टर रहा है, लेकिन जब उस घटना में आपकी पार्टी के अधिकांश बड़े नेता मारे गए, नंद कुमार पटेल मारे गए, विद्याचरण शुक्ल मारे गए, तो वैसी स्थिति में आप पार्टी के एक क्षेत्र नेता रहे, लेकिन आरोप यह है कि आप दमदारी से न तो उस घटना को उठा पाए और न अपना दावा जो है वो पेश कर पाए, आप कहाँ विफलता रहे? झीरम बेहद दर्दनाक घटना हुई और आज भी न केवल मेरे मन में, पूरे प्रदेश की जनता के मन में, आम कांग्रेस जन के मन में और समूचा राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग अभी भी इस प्रश्न से अनुत्तरित हैं। सरकार का उत्तर नहीं आया कि झीरम का सच क्या है। मेरा सौभाग्य कि मैं आज आपके बीच बैठा हूँ। उस झीरम की घटना के दिन मुझे भी, चूंकि पूरी परिवर्तन यात्रा मैं और नंद कुमार पटेल पूरे प्रदेश में नेतृत्व कर रहे थे, उस दिन मुझे भी झीरम के रास्ते में जाना ही था। मेरा सौभाग्य कि मेरी बिटिया के रिसेप्शन का समारोह एक दिन टल गया, एक दिन मेरा बस्तर यात्रा टल गया और आज मैं आपके सामने हूँ। लगभग 32 लोगों को हम लोगों ने, कांग्रेस के विद्या भैया सहित लोगों को हम लोगों ने खोया। इसको हम राजनीतिक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल ना करें, लेकिन आज भी ये प्रश्न अनुत्तरित है। हम लोगों ने कोई राजनीतिक आंदोलन खड़ा नहीं किया इस मामले में, हम चाहते थे कि घटना की सच्चाई लोगों के सामने आए। सरकार ने कहा चूक की, क्यों सुरक्षा व्यवस्था वहां से हटाई गई, क्यों रोड ओपनिंग पार्टी हटाई गई, क्यों इतनी बड़ी यात्रा को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई, और लोगों की ये जानकारी भी थी, इतनी बड़ी घटना, इतने सारे नक्सलवादी, इतने सारे मॉइस्ट दरभा और झीरम के किनारे, सड़क के किनारे नेशनल हाईवे पे इकट्ठा है, क्या पूरे प्रशासन को जानकारी नहीं थी? लेकिन हमारे नेताओं को झोंक दिया गया। इस मौत का जिम्मेदार केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी और उनकी सरकार है। हम लोगों ने इसमें राजनीति करने की कोशिश नहीं की और आज भी न्यायिक जांच चूंकि चल रही है, NIT की जांच चल रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इसमें नक्सल घटना तो थी, इसमें और कई प्रकार के षड्यंत्र, क्या नक्सलियों के साथ साठगांठ थी, क्या दंतेवाड़ा जेल ब्रेक की बड़ी घटना हुई थी उससे लिंक करके इसको नहीं देखा जाना चाहिए, क्या पूरे बस्तर में नक्सल मूवमेंट में सारे स्थानों पे आपने सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई? इसके पहले भी सुकमा हम लोग गए थे, इसके पहले भी माननीय नंद कुमार पटेल और हम बीजापुर में बड़ी यात्राएं की थी, लेकिन उस दिन जब ये घटना होना था, क्यों हमारे कांग्रेस नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था? केंद्र में आपकी पार्टी की सरकार थी, आपकी पार्टी की तरफ से या केंद्र में जो सरकार थी उसकी तरफ से भी सच जानने की कोई पहल होती नहीं दिखाई दी? मुझे ऐसा लगता है राहुल जी, उसी रात आए, सारा राजधानी पूरा छत्तीसगढ़ उद्वेलित था, आंदोलित हो सकता था और लगभग आक्रोश दिख रहा था, लेकिन राहुल जी ने कहा हमारे नेताओं की शहादत है, कांग्रेस की परंपरा है, हमको बहुत शांत भाव से इस शहादत को स्वीकार करना है और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से सरकार के द्वारा
खामियां उजागर हुई थी उसके खिलाफ हम लोगों को अपनी बात कहना है, और आज भी इस बात की हम लोग प्रतीक्षा में हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी में कोई बात सच सामने आना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसको छोटी चूक कह रहे हैं, उनकी छोटी चूक से कांग्रेस का लीडरशिप का एक जनरेशन समाप्त हो गया। इतनी बड़ी चूक मैं ऐसा मान के चलता हूँ, इस दोष से डॉक्टर रमन सिंह जी मुक्त नहीं हो सकते। जी बिल्कुल, फेस टू फेस में चर्चा लगातार जारी रहेगी। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। तो 1977 से लगातार साझा में चौबे परिवार का दबदबा बना रहा, आपकी जो वहाँ पर प्रसिद्धि रही है, आपका जो आपकी जो पकड़ रही है वो इतनी मजबूत रही कि पार्टी के अंदर से कभी कोई नेतृत्व आपके खिलाफ उभर नहीं पाया, कोई प्रतिद्वंद्वी उभर नहीं पाया। यहाँ तक कि बीजेपी ने भी हमेशा बाहरी लोगों को टिकट दिया, वहाँ से कोई व्यक्ति टिकट नहीं मिल पाया, ऐसा सुपात्र नहीं मिला कभी पार्टी को जो आपके खिलाफ खड़ा हो सके। लेकिन इतने दबदबे के बावजूद साझा आज भी प्रदेश में पिछड़ा है, किसे जिम्मेदार मानते हैं? मुझे लगता है कि साझा को पिछड़ा कहना अब उचित नहीं है। मैं जब पहली बार विधायक बना था तो मेरे साझा की पहचान वहाँ की थोड़ी गरीबी से होती थी। जिला कार्यालय में जब बैठकें होती थी तो सबसे पहले पूछा जाता था कि साझा से पलायन कितना होगा, साझा में कितने मजदूरों को काम चाहिए, वहाँ राहत के कितने काम खोले जाने चाहिए। तब और आज, अब जब जिला कार्यालय में बैठक होती है तो सबसे पहले पूछा जाता है कि साझा में स्प्रिंकलर की कितने अनुदान चाहिए, साझा के किसानों को ट्रैक्टर के लिए कितना अनुदान चाहिए। साझा अकेला विधानसभा इतना किसानों का समृद्ध विधानसभा हो चुका है कि मैं ऐसा समझता हूं कि अकेले साझा के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ को टमाटर खिलाया जाता है। केले और पपीते की खेती जितना मेरी कॉन्स्टेंसी होती कहीं नहीं होती है। एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां बीटी टार रोड अब नहीं हो, बिजली के हर गांव में बिजली वहां पहुंचा हुआ है। अकेले साझा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 100 हायर सेकेंडरी स्कूल है। जब आप मानते हैं कि साझा में इतना विकास हुआ तो जनता ने आपको नकारा क्यों? साझा विधानसभा का जो पुराना हिस्सा है जो मेरा डेवलपमेंट का इलाका था, दुर्भाग्य से उसका डिलिमिटेशन में वो लगभग बदल गया और पूरा नई कॉन्स्टिट्यूंसी लगभग धमधा का इलाका जो शामिल हुआ वो थोड़ा सा मुझे नुकसान हुआ उन इलाकों में। लेकिन ऐसा नहीं है, राजनीति में जीत और हार तो बहुत सामान्य सी घटना होती है, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि लगातार 30 साल जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, इसलिए इसको किसी को दोष देना और विकास नहीं हुआ इसलिए जनता ने वोट नहीं किया ऐसी कोई बात नहीं। जब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे आप, तब आप पर आरोप लगता था कि आपका सरकार से सीक्रेट पैक्ट है और इसीलिए आपने कभी मुद्दों को उतनी दमदारी से नहीं उठाया जितनी दमदारी से उठाया जाना चाहिए। जब इतिहास खोल के देखेंगे तो विधानसभा में हमारे उठाए गए मुद्दों को अगर पढ़ेंगे ना तो उनको महसूस होगा कि जितने मुद्दे छत्तीसगढ़ के विधानसभा में मेरे कार्यकाल में कांग्रेस विधायक दल ने उठाया है उन मुद्दों की बहुत महती जरूरत थी इस प्रदेश को। और हमारा लगातार बोलने में थोड़ी शालीनता, व्यवहार में थोड़ी शिष्टता और अपने से वरिष्ठ को हमेशा सम्मान देने की परंपरा, ये तब भी जब मैं विपक्ष का नेता था, नेता प्रतिपक्ष था, तब भी हमने इस परंपरा को कायम रखा और मैं समझता हूँ व्यवहार में आज भी इस बात को मैं कायम करके रखा हूँ। आक्रमण का मतलब शब्दों का आक्रमण होता है, आक्रमण का मतलब केवल नाराबाजी और विधानसभा की कार्यवाही बाधित कर देना मैं नहीं समझता। कि मैं अपने सोच में मैं ये मान के चलता था कि सदन के एक एक मिनट का सदुपयोग होना चाहिए, कांग्रेस के हर विधायक को अपनी बात कहनी चाहिए और सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। और आज भी जिन मुद्दों पे चर्चा हो रही है, मीना खलको का मुद्दा, प्रियदर्शनी बैंक घोटाले का मुद्दा से लेकर वो सारे मुद्दे जो आज भी विधानसभा में चर्चा हो रही है वो वही सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के हमने विधानसभा में लड़ाइयाँ लड़ी थी। प्रखर वक्ता चौबे जी पर अवसरवाद की राजनीति करने का भी आरोप लगता है, कभी जोगी गुट के साथ कभी जोगी गुट के खिलाफ, इस आरोप पर आपकी प्रतिक्रिया? मुझे लगता है कि ये भी असत्य आरोप है। माननीय जोगी जी इस प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और आज भी कांग्रेस के वर्किंग कमेटी AICC में उनकी वो सदस्य हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जोगी जी से कोई सीधी लड़ाई की कोई बात है। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी
और हाई कमांड का रुख और कांग्रेस की मुख्य धारा से न कभी मैं राइट गया हूँ न कभी मैं लेफ्ट गया हूँ। मैं केवल और केवल कांग्रेस का सदस्य हूँ। और कांग्रेस में गुटबाजी की क्या बात है, जोगी जी हमारे नेता हैं, जोगी जी के भी साथ हैं, कांग्रेस अध्यक्ष जी हमारे नेतृत्व कर रहे हैं, हम कांग्रेस अध्यक्ष जी के साथ हैं। हम कभी राजनीति में किसी के विरोध में या किसी के पक्ष में बहुत ज़्यादा कभी पूरे 30 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया होगा कभी अवसरवाद की राजनीति ने। जहाँ कांग्रेस है वहाँ मैं हूँ, वहाँ रविंद्र चौबे। कबीरपंथ इस छत्तीसगढ़ की राजनीति में कबीरपंथियों का एक बड़ा महत्व है, कहते हैं कि सक्रिय योगदान रहा है उनका, लेकिन आपने गुरुगद्दी दामाखेड़ा से हमेशा दूरी बनाए रखी, इसके पीछे कोई खास वजह? दामाखेड़ा जहाँ तक जाने का सवाल है, हर वर्ष तो नहीं जा पाता, लेकिन जब वहाँ से कभी आमंत्रण मिले या कभी अवसर मिलता है तो मैं चला जाता हूँ। धार्मिक रूप से मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूँ। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज का मैं शिष्य हूँ और लगातार वहाँ मुझे जाना होता है, लेकिन वहाँ अगर दामाखेड़ा लगातार नहीं गया हूँ तो इसका कतई आशय नहीं है कि वहाँ से कोई उपेक्षा है। उस स्थान के प्रति मेरी बेहद श्रद्धा है। आपके चुनाव क्षेत्र में एक कहावत है, कहते हैं बोकरी के चेहरे और चौबे के ठोके कबों ने उलावे, जिसकी पीठ पर चौबे ने हाथ रख दिया उसकी कभी तरक्की नहीं होती, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत प्रेम से सबसे मिलता हूँ, गरीब से गरीब व्यक्ति भी। होली और दिवाली में जितना जिस संख्या में लोग हमारे गृह ग्राम मोहा भाटा में आते हैं और लोगों से मेल मुलाकात होती, मैं तो वैसा कभी देखा नहीं हूँ। और चूंकि मैं साइकिल से भी साझा विधानसभा के लगभग हर गांव गया हूँ, मोटरसाइकिल से भी लगभग हर गांव गया हूँ, और साझा विधानसभा में कौन सा हैंडपम्प कहाँ लगा है, किस नहर का किस कुलापे में कितना पानी जाता है, इससे वाकिफ हूँ। तो लोगों के साथ खूब पदयात्राएं किया हूँ, तो लोगों से एक रिश्ता है। तो किसी के पीठ में हाथ फेर देना, किसी के गले मिल के किसी से चलना या किसी से बहुत व्यक्तिगत संबंध बना के रहना, मैं समझता हूँ कि इसमें किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर कभी कांग्रेस सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री के रूप में किसे सबसे योग्य मानेंगे आप? मुझे ऐसा लगता है कि ये बात अभी बहुत देर की बात है, आने वाले समय की हमें तैयारी तो करना है। और जैसे कांग्रेस की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री का फैसला हमेशा हाईकमांड करता है। हमारे यहाँ बहुत काबिल लोगों की बहुत लंबी फेहरिस्त है, जिनको अवसर मिलेगा छत्तीसगढ़ में किसानों के हित में। और जिस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के पहले हमने कल्पना की थी कि किसानों का प्रदेश बनेगा, यहाँ किसान विकास करेंगे, तरक्की करेंगे, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के खेतों में एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट होगा, एग्रो इकोनॉमी बढ़ेगी, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री लगाए जाएंगे। इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार लगभग सिफर है, शून्य। तो इस दिशा में लोग चाहते हैं और आने वाले समय में कांग्रेस निश्चित रूप से काम करेगी। जी बिल्कुल। फेस टू फेस में वक्त है एक और ब्रेक का। चौबे जी, कुछ सवाल आपकी निजी जिंदगी से पूछने की इजाजत चाहूंगा। छत्तीसगढ़ के व्यंजनों की बात करें तो छत्तीसगढ़ के व्यंजनों का एक अद्भुत स्वाद है, आप उसमें से कौन से व्यंजन को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? धान का कटोरा है हमारा छत्तीसगढ़, और हर गांव में हर घर में चावल पे आधारित ही व्यंजन ज़्यादातर बनाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ का चावल का जो चीला होता है और टमाटर की चटनी, चीला चटनी अगर एक बार भी गांव का टमाटर, ताज़ा धनिया और उससे मिला करके अगर गांव में आप खा लेंगे तो मैं ऐसा समझता हूँ 5 सितारा होटलों के भी सारे व्यंजन को आप भूल जाएंगे। रविंद्र चौबे, बचपन से राजनीति के बीच में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, पूरे जीवन राजनीति के अलावा कोई सोचा नहीं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपकी कुछ और हॉबीज हो सकती हैं तो आपकी वो हॉबीज़ कौन सी हैं? मेरे पिताजी जब कांग्रेस के विधायक थे, हम पढ़ाई कर रहे थे, तब हमने कभी राजनीति में आने के बारे में सोचा ही नहीं था। मैं तो ला किया और जबलपुर हाई कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करने भी चला गया था, लेकिन आकस्मिक उनके निधन के बाद क्षेत्र की जनता ने कहा कि वकालत करके पैसे कमाने के बजाय आम गरीब किसानों के बीच में काम करना उचित रहेगा, और सौभाग्य से मुझे सरपंच बनने का भी सौभाग्य मिला। मैं साझा जनपद का अध्यक्ष भी रहा
दुर्ग जिला पंचायत का भी अध्यक्ष रहा, कोऑपरेटिव फील्ड में भी काम किया, इसलिए राजनीति का ये क्षेत्र मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा राजनीति में आऊँगा करके सोचा नहीं था। हम राजनीति में कहाँ हैं, हम कितना ऊंचाई पे जाएंगे, कितना काम कर पाएंगे अलग बात है, लेकिन छत्तीसगढ़ के नौजवानों को इस दिशा में सोचना होगा। और सरकार का जो लगातार गलत नीतियाँ हैं, आज आउटसोर्सिंग की बात होने लगी, क्या छत्तीसगढ़ में बेरोजगार नहीं है? बस्तर में बस्तर केडर बनाएंगे, छत्तीसगढ़ के एम्प्लॉयमेंट में लगभग 26 लाख अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर्ड हैं और आप आउटसोर्सिंग की बात कहने लगे, कैसे छत्तीसगढ़ स्वीकार करेगा? रविंद्र चौबे अगर राजनीति में नहीं आए होते तो आज क्या कर रहे होते? मुझे लगता है मैं केवल और केवल वकालत करता और अपने गाँव की अपनी किसानी करता, खेती करता। विशुद्ध रूप से मैं किसान हूं और आज भी किसी भी पद प्रतिष्ठा में मुझे बैठने का अवसर मिला, मैं समय मिलता है तो अपने ट्रैक्टर चला लेता हूं, अपना खेत का काम कर लेता हूं। और मुझे लगता है कि हमारी छत्तीसगढ़ की तरक्की छत्तीसगढ़ के सस्य श्यामला धरती से है। यहाँ किसान के बेटों को थोड़ा सपोर्ट करिए, छत्तीसगढ़ को इतना खुशहाल छत्तीसगढ़ के किसान के बेटे बना देंगे जितना खुशहाल हरियाणा और पंजाब की चर्चा होती है। हमारा छत्तीसगढ़ इनसे भी ज़्यादा डेवलप कर सकता है। अगर मैं राजनीति में नहीं होता तो एक विशुद्ध किसान ही होता। रविंद चौबे जी, आप फेस टू फेस कार्यक्रम में शामिल हुए और बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते आपको दिखाते हैं आपके एक परिजन ने आपके बारे में क्या कहा है। हमारे गांव में स्कूल था, है नहीं, महाराज जी वहीं पढ़ने करते थे, महुआ स्कूल में एक ही साथ पढ़ते थे हम लोग आगे पीछे कक्षा में, तो एक ही साथ खेलते कूदते भी थे। तो उनकी रुचि ज़्यादातर चिड़िया पकड़ने में, है नहीं, तोता पकड़ने में, इसी में रहता था। और उसी चक्कर में कभी कभार पेड़ में चढ़ जाते थे, है नहीं। एक हमारे गांव में शीतला मंदिर के पास नीम पेड़ था, उसमें एक तोता घुसा के महाराज जी चढ़ गए उसमें, है नहीं, हाथ डाल दिए पकड़ने के लिए। अब वो तोता काट लिया उसको, है नहीं, हम लोग डर गए कि तोता है कि कुछ, सरपूट काट लिया, है नहीं। जो हाथ के निकलने के बाद तोता उड़ा तो निश्चिंत हुए कि हाथ तोता ही काटा करके।